नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सोनभद्र से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो आपकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। दरअसल पीपरी नगर पंचायत क्षेत्र में तुर्रा चौराहे के समीप शुक्रवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी, जब एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री रोती बिलखती हुई अपने बाबा के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने तुरंत 100 नंबर डायल करने को कहा। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले का संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग बच्ची को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा। पीपरी थाना अध्यक्ष मूलचंद चौरसिया ने बताया कि पीपरी नगर में स्थित अंबेडकर पार्क के पीछे रहने वाली एक महिला ने विधवा होने के बाद मनोज पनिका उर्फ बबलू नाम के युवक से दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसे एक 12 वर्षीय पुत्री थी। शुक्रवार की भोर में जब उसकी नाबालिग लड़की सो रही थी तो उसी समय रिश्ते में लगने वाले उसके बाप मनोज पनिका ने उसके साथ जबरन बलात्कार कर दिया। इस घटना के बाद नाबालिग लड़की तत्काल अपने बगल के कमरे में सो रहे बाबा के पास पहुंची और उससे सारी आपबीती बताई। बाबा ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगवाकर पुलिस बुलाई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया तथा पीड़ित लड़की को अपने साथ ले आई। पीड़िता को जिला अस्पताल भेजकर उसका मेडिकल करवाया गया। यहां घटना के प्रमाणित होते ही आरोपी पिता को आईपीसी की धारा 376 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की के साथ हुआ था कि बलात्कार किए थे उसका पापा। कौन किए? रात में। क्या ये आपके पति थे? हाँ, हमारे पति थे, दूसरे पति थे। कौन पति है? सौतेले पति थे क्या ये? हाँ, पहले वाला चल गया है, दूसरा लेकर भाग गए हैं। हाँ, हम दूसरे से जगह आ गए हैं। तो क्या घटी थी उस दिन घटना आपकी? हमारे को घटना हुआ था, हमारे को लड़की के साथ है। सोने पर हम देखे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।